Assalamualaikum students, hope you all are fine and safe at your homes. Let's start our today's lecture. Okay students, now open your grammar book. Now student, open page 99. Letters. आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेटर्स है, ठीक है। तो चले लेटर को स्टार्ट करने से पहले उसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल के बाद आप लोगों ने लगाना होता है एक कॉमा, और ठीक है। और ये बिल्कुल आपने अपनी कॉपी के जहाँ पर आप मार्जिन लाइन लगाते हैं, ठीक है, मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ से आपने स्टार्ट करना होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है सिटी। अब सिटी आपकी कौन सी है? सिटी है आपकी रावलपिंडी। सिटी रावलपिंडी, रावलपिंडी के बाद आप लोगों ने लगा देना है फुल स्टॉप। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लोगों ने डेट लिखनी है। डेट का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि जो भी आज की डेट होगी, ठीक है, वो आपने जो आज की डेट है, डेट है बच्चों आज है 26 जून, ठीक है। तो आप लोगों ने 26 लिखना है और यहाँ पर लिखना है जून और 2020, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं लगाना आप लोगों ने। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना है जो जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो आपकी मदर हो सकती हैं, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपके आपका ब्रदर हो सकता है, वो आपकी सिस्टर हो सकती हैं। तो फिर वहाँ पर आपने डियर फादर या डियर मदर और उसके साथ में कॉमा लगा देना है, ठीक है। फिर ये होती है आपकी स्पेस जहाँ पर आप लोगों ने अपना है वो लिखना होता है। उसके बाद जब आप ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, आपका जो लेटर है, जो आपकी बात है, वो ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद जहाँ से आपने स्टार्ट किया था लिखना एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, उसी के बिल्कुल नीचे, ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कॉर्नर से स्टार्ट करना है। जो भी आपका होगा, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, या जो भी हो, ठीक है, और आपने इसको यहाँ पर कॉमा डाल देना है और एक्स वाई जी की जगह आप लोगों ने अपना नेम लिख देना है, ठीक है। ये हो गया लेटर फॉर्मेट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लेटर फॉर्मेट आप लोगों ने लेटर जो है वो आप लोगों ने कैसे लिखना है। तो अब चलिए देख लेते हैं ये लेटर हमारा किस के बारे में है। लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी, कि अपने फादर को आपने लेटर लिखना है पैसों के लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी रावलपिंडी, 26 जून 2020, डियर फादर, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई हैव गॉट फर्स्ट पोजिशन इन माई टेस्ट। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे कि मैंने अपने टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल की है। आई वांट टू मेंटेन माय पोजीशन इन फ्यूचर, मैं अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तकबिल में भी बरकरार रखना चाहता हूँ। आई एम इन नीड ऑफ सम हेल्पिंग बुक्स, मुझे कुछ हेल्पिंग बुक्स की ज़रूरत है, यानी कि जैसे कि गाइड्स वगैरह होती हैं, ठीक है। आई हैव टू बाय न्यू शूज़ आल्सो, मुझे नए जो है जूते भी ख़रीदने हैं। माई फेलोज आर आस्किंग मी फॉर आर ट्रीट आल्सो, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, वो मुझे ट्रीट देने का भी कह रहे हैं, ठीक है। काइंडली सेंड मी 1000 रुपीज़ एट लीस्ट, मेहरबानी करके मुझे 1000 रुपये भेज दें। आई होप यू विल बी ओब्लीग मी वेरी सुन, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जल्द ही दे देंगे। आई शेल बी वेरी केयरफुल टू माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दूंगा। सलाम टू मदर एंड सलमा, माँ को सलाम दीजिएगा, एंड योर लविंग सन, और जो भी यहाँ पर आपका नेम होगा, अगर सन है तो सन, डॉटर है तो डॉटर लिख देना है आप लोगों ने, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है और इसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करनी है, और सिर्फ लिखना नहीं है बच्चों, ये बात याद रखें। आप लोगों ने साथ साथ जो भी काम दिया जा रहा है उसको याद भी करना है, और तमाम आपका प्रीवियस जो लेक्चर्स, आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, वो आपकी हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। आप लोग जाएं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रीवियस आपके लेक्चर रह जाते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।